सामने करो थोड़ा सर, थोड़ा सामने करो। Based on a specific information, Jammu Police Power has successfully recovered 51 kgs of high-grade heroin. This is the biggest ever catch of heroin in Jammu. Raju, and full credit goes to the crack team of JNK Police, both handling specifically. We developed this lead and successfully intercepted a truck which was carrying 51 packets. That is 51 kilograms of high grade heroin. We carried this in Afghanistan. It was being carried in this truck, which was having the consignment of scrap paper. And this heroin was conceived in the false spaces which are created on the sides of the truck. So the street value of this is astounding. It's more than 250 crore rupees value of high grade heroin. It was going to Punjab, and I think with this we have intercepted a very big cache, and it's the biggest strike against narcotics in this region. Sir, what's the name? Agla Agla. Sir, थोड़ा से पीछे यार, एक मिनट सर आ रहा। जी सर, अमन। अमन, नमस्कार। मुझे ये आज हमारा दूसरा मीडिया इंटरेक्शन है। आज जो हमने सुबह एक टेरर एक्टिविटीज और टेरर मॉड्यूल बुबस किया, उसके साथ ही साथ आज हमने अभी शाम को मेरी दूसरी मीडिया इंटरेक्शन है। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जम्मू पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। हमने एक आज तक की सबसे बड़ी खेप जो है हीरोइन की, हाई क्वालिटी हीरोइन पकड़ी है। एक ट्रक जो कि हथौड़ा से आ रहा था, पंजाब जा रहा था, हमें स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली थी, हम उसको डेवलप किया हमने, और उसके बाद इस ट्रक को हमने जम्मू में रेडिसन ब्लू होटल के सामने इंटरसेप्ट किया, और वहाँ पे हमने इसकी जो फॉल्सी रिंग थी इसके अंदर 51 पैकेट जो थे हाई ग्रेड अफगान ओरिजिन हीरोइन, वो है सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है आज तक की एक ही केस में रिकवरी है। और इसकी जो स्ट्रीट वैल्यू है कम से कम भी 250 करोड़ रुपये की वैल्यू है, जो कि इंटरनेशनल मार्केट में बनती है। इसके साथ ये एक बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक है हमारी नारकोटिक्स पे। आप जानते हैं इससे पहले भी हमने पिछले साल में अब तक की आज से सबसे ज़्यादा रिकवरीज की हैं। बड़ा अच्छा सक्सेसफुल साल गया है हमारा, और एक और बहुत बड़ी खेप जो हमने पकड़ी है। मुझे पूरा यकीन है कि ये जो हमारा काम है इससे हमारी आने वाली जो नस्लें हैं, जो युवा पीढ़ी है, उनको बचाने में काफ़ी हमें सफलता मिलेगी। सबसे बड़ी खेप पकड़ी है, सबसे बड़ी खेप पकड़ी है, क्या ये अलार्मिंग सिचुएशन है जम्मू के लिए, इतनी ज़्यादा ड्रग्स यहाँ पे मिल रही? देखिए, जो हमारी अभी तक इन्वेस्टिगेशन है, ये जो खेप है ये पंजाब जा रही थी। जम्मू एक ट्रांजिट रूट है इसका, हंदवाड़ा से आके पाकिस्तान से और अफगानिस्तान ओरिजिन है। जम्मू एक ट्रांजिट पॉइंट था इसका, पर यकीनन ये एक अलार्मिंग सिचुएशन तो है, पर आप इसमें खुशाइन बात यह है कि हमने इसको पकड़ा और इसको मॉड्यूल में पास किया। वी हैव अरेस्टेड टू पीपल, वन फर्स्ट इज गुरजीत सिंह साना बलबीर सिंह, रेजिडेंट ऑफ डगियाना आश्रम, जो कि ड्राइवर था इसका, और एक उसका जो साथ में अटेंडेंट था रवि कुमार साना रमेश कुमार, रेजिडेंट ऑफ रायपुर सतवा। तो ये दो लोग पकड़े गए। द इन्वेस्टिगेशन, द नेम्स आर, टू अक्यूज्ड आर गुरजीत सिंह सना बलबीर सिंह, रेजिडेंट ऑफ डगियाना आश्रम, एंड रवि कुमार सन ऑफ रमेश कुमार, रेजिडेंट ऑफ रायपुर सतवारी। व्हाट वाज योर क्वेश्चन? I was saying that where they told there must be some people who must have told them to take these drugs to Punjab, and where these truck driver and his associate aware of the fact that drugs are being transported in this truck. This is a matter of investigation. We are doing it, but at this stage we don't want to do in such a way that our investigation gets affected. But we are definitely targeting both the origin as well as the destination. Is there also any terror group behind the export of this? Can't be ruled out anything at this stage. But as I said, it's an open investigation. We are following all the leads and we will be successfully dealing with it. Sir, leads ये हमारे जो हैं कि कुपवाड़ा रूट से LOC की तरफ से है, तो क्या ये अफगानिस्तान से पाकिस्तान और फिर बॉर्डर क्रॉस करते हुए श्रीनगर पहुंची, जिसको आगे पंजाब ले जाया जा रहा था? और अगर ये ऐसा हुआ है तो 51 किलो के हीरोइन बॉर्डर पार करना आपस में इतना मुश्किल है, किस तरह से उन्होंने इस काम को अंजाम दिया? देखिए, वर्ल्ड ओवर आप सभी जानते हैं, जो अफगानिस्तान पाकिस्तान का एरिया है,
ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा सेंटर है, 90% वर्ल्ड का जितना हेरोइन है इसी एरिया में ग्रो होता है, वहाँ से लाया जाता है। पाकिस्तान की एजेंसीज इसमें पूरी तरह से मुलविस भी हैं और ये एक सोर्स है जिसके कारण जो उस पर मार्किंग मिली है वो अफगान ओरिजिन की है। उसको ट्रांसपोर्टेशन किस रूप में किया गया, क्या था, वो एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो हम करेंगे, पर हमने इसको नॉकआउट ऑफ किया है, इस मॉड्यूल को बस्ट किया है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। सो फार आवर रिकॉर्ड सेज दिस इज द फर्स्ट सच केस बाय दीज टू अक्यूज्ड, बट एज आई सेड वी आर ट्राइंग टू कंपाइल द डेटा, और किसी और डिस्ट्रिक्ट में इसका होगा तो विल टेक एक्शन। सर आ रहा है कुपवाड़ा एलओसी की तरफ से जो है वो खेप यहाँ पर पहुंची थी, 250 करोड़ एक बड़ी रकम है, क्या इसको टेरर फंडिंग के लिए यूज किया जा सकता है? जैसे मैंने बताया इसके बारे में नार्कोटिक्स और टेररिज्म बड़ा क्लोजली रिलेटेड एक्टिविटीज हैं दोनों, और इस स्टेज में किसी चीज़ को हम ना तो एक्सेप्ट कर सकेंगे ना रूल आउट कर सकेंगे। हमारी इन्वेस्टिगेशन जैसी चलेगी हम उसके बाद एस्टेब्लिश कर